सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जैसा कि आपको पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा जो है काम था मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे, तो फिर जिसकी वजह से भाई मैंने बहुत लेट वीडियो जब आई है इसके लिए माजरत चाहती हूँ। और फिर भाई आज मुझे जाना था मार्ट, और मार्ट जाते हुए मैंने ये देख ली थी, इंक्रोचमेंट हो रही थी। और ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, बिल्डिंग आधी मतलब आधी साइड से जो है ना वो टेढ़ी हो रही थी, और इसको ना जो इंक्रोचमेंट की वजह से जो क्रेन है वो गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाई साहब वो मना कर रहे थे कि आगे नहीं आइएगा आगे नहीं आइएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी जद्दोजहद करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज आना था मार्ट, मैंने फिर ले ली भाई कॉफ़ी, और एक मैंने ट्रॉली भी ले ली थी, वो दूसरी सिस्टर के पास थी। और फिर मैंने ये पाइनएप्पल उठाया, और भाई आगे मुझे एक चीज़ ये नज़र आ गई थी, फिर मैंने सोचा भाई ये भी उठा लेती हूँ, और फिर मैंने इसको भी उठा के मैंने ट्रॉली के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑलिव्स ले लिए, ऑलिव्स भी रख लिए। और भाई ट्रॉली जो है बास्केट बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, फिर मैंने जो है ना इसको हल्का करने के लिए ट्रॉली सिस्टर को बुला के ट्रॉली के अंदर सामान जो है आधा शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं ये लेने लगी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार कुछ और ले लेते। फिर मैंने चोको कप्स भी ले लिए। फिर ऊपर आ गए थे हम लोग, और फिर मुझे नज़र आ गई थी चॉकलेट। फिर मैंने सोचा यार चलो चॉकलेट लेते, इतने में मुझे आ गया था दूध की बोतल नज़र, मैंने वो उठाया, लेकिन मैंने कहा यार खैर छोड़ो नहीं लेते। फिर मैंने ये देख लिया, फिर जब मैंने इसको उठाया तो ये देखा साइड पे लिखा हुआ दहीन, फिर मेरा दिल टूट सा गया था, फिर मैंने उसको नीचे छोड़ दिया। इतने में मुझे नज़र आ गई थी चॉकलेट। उफ़ क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार होती है। और फिर भाई मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं समझ नहीं आ रही थी मैं कितनी लूँ कितनी नहीं लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी उठाई, और फिर मैंने यू भी उठा के बास्केट के अंदर डाल दी। फिर उसके बाद मुझे नज़र आ गई थी डेरी मिल्क, फिर मैंने डाल दी डेरी मिल्क भी उठा के, और मैंने 3, 4 या 5, 6 डाल दी थी बास्केट के अंदर। तो फिर उसके बाद सिस्टर कह रही थी नहीं क्या करूँ कि मैंने कहा खाने के लिए ले रही हूँ भाई, कोई गिरानी थोड़ी है कहीं। फिर मैंने उसको उठा के बास्केट अंडर डाल दी। फिर उसके बाद भाई मुझे नज़र आई थी चीज़, मैंने कहा चले यार मोज़रेला स्लाइस जो है वो भी ले लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेंगे, कभी सैंडविच बनाने में काम आ जाता है। उसके बाद मुझे नज़र आ गया था मस्का स्प्रेड, मैंने ये भी न्यू था, मैंने ये भी परचेस कर लिया। उसके बाद भाई हम लोगों ने ली ब्लू बैंड, जो कि अक्सर वीडियो में मुझे यूज़ करना होता है तो अवेलेबल नहीं होता कभी घर पर, ये लेके फिर सिस्टर ने कहा भाई नीचे और नेफ्यू के लिए जो है हम लोग ले लेते हैं स्कूल के लिए थोड़ा सा लंच। तो हम लोगों ने उठाया बिस्किट, और ये थोड़ा से लेस वगैरह उठा लिए, जूस वगैरह ले लिए थे। और ये देखें आपको ये जूस दिखाऊँ, ये बहुत ही छोटा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था इतना छोटा सा। और फिर मैंने कहा यार चलो ट्राई करने के लिए ले लेते हैं, और फिर मैंने ये भी ले लिया। और सिस्टर ने फिर जो है ये ले लिया, आधा सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और आधा सामान हम लोगों ने ट्रॉली के अंदर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी बास्केट और मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, और सिस्टर तो बस अपने बच्चों के लिए ले रही थी चीज़ें, और ये ट्राई कर रही थी कि सब कितना सामान है इसके अंदर हिलाकर। खैर फिर उसके बाद ये हम लोगों ने ले लिया, और फिर हम लोग आ गए थे स्लाइस की साइड, और जूस वगैरह यहाँ पे मलाई वगैरह थी, कैंस वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो मैंने सबसे पहले ये उठाई भाई उमंग की मलाई, वैसे एक रिस्पॉन्सर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ले ली चेक करने के लिए ट्राई करने के लिए। और फिर इस दफ़ा मैंने रेड बुल भी ले लिया भाई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी भी कंपनी की तरफ से नहीं है रिस्पॉन्सर। तो और ये मैंने डेरी मिल्क भी ले ली, और फिर उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा सामान हो रहा था, मैंने फिर दोबारा जो है सिस्टर को बुला के ट्रॉली के अंदर शिफ्ट कर दिया। वो जो सिस्टर हैं वो ज़्यादा घूमती नहीं है हमारे साथ, बस वो हमारे साथ जाती हैं और फिर एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं, हम उसको ट्रॉली पकड़वा देते हैं और बास्केट लेके हम लोग घूमते रहते हैं। ये चॉकलेट हम लोगों ने ये मुझे अच्छी लगी, ये भी मैंने ले ली। और फिर ये जो है शुगर पट्टी, ये भी हम लोगों ने ले ली दोनों तरफ, ये भी ले ली। और वो हमारी ज़बान में खैर इसको कहते हैं मुरंडे, आपकी ज़बान में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद भाई मुझे नज़र आ गए थे डोनट, और फिर मैंने ये भी ले लिए। और फिर उसके बाद भाई सिस्टर ने कहा नीचे जाना है, तो मैंने कहा चल लेते हैं नीचे, और फिर मैंने एक और भी ब्रेड ले ली। फिर उसके बाद भाई नीचे गए, मैं सामान भूल गई थी मैं और सिस्टर, हम लोग भाई लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लिफ्ट आ गई थी, चले भाई हम लोग लिफ्ट में अंदर लिफ्ट के चले गए थे। और भाई ये देखें मुझे एक तो लिफ्ट में अक्सर लोगों के साथ होता होगा, जिसके साथ होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नीचे जाते हुए इतनी पेड़ में गुदगुदी सी होती है कि क्या ही बताएं आपको। खैर दरवाज़ा खुल गया था और फिर हम लोग बाहर आए थे,
और फिर भाई ट्रॉली बहुत ज़्यादा बास्केट भारी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया था। फिर मैं सोची थी काश ऊपर जब थे तो ऊपर ही मैं रखवा देती, नीचे भाई मैं हम लोग मसाला भूल गए थे मैं और सिस्टर। फिर हम मसाला ढूंढने के लिए नीचे, मतलब कि ब्लैक पेपर ढूंढने के लिए हम लोग नीचे, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था इतना ढूंढ ढूंढ के। फिर मैंने कहा सिस्टर आपको कहीं नज़र आ रहा है? फिर सिस्टर ने बोला हाँ ये देखो ये रखा हुआ है। फिर भाई उसके उधर गई, फिर मैंने ये उठाया और इसके लिए बहुत ज़्यादा ख्वार हुए थे, मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद भाई इसको मैंने रख दिया बास्केट में और फिर हम आ गए थे ऑयल की साइड। ऑयल की साइड पर आए तो भाई कुछ समझ ही नहीं आया था कौन सा ऑयल है, और याद भी नहीं आया था मामा ने कौन सी ऑयल की बॉटल कही थी। तो फिर भाई हम लोगों ने ये ले ली और फिर हम ऊपर आ गए थे। फिर भाई ये देखें आधी ट्रॉली वो है आधी ये, दोनों में आधा आधा सामान हम लोगों ने शिफ्ट किया हुआ था, और फिर बास्केट भी मैंने रख ली थी। खैर फिर हम लोग आ गए थे बिल की साइड। बिल की तो इतनी लंबी लाइन थी जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद ये स्लिप भी इतनी बड़ी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवे घर आ चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इस वजह से इससे आगे व्लॉग नहीं बन पाया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे ज़्यादा अच्छी थी, अल्लाह हाफिज़।